सावन में उज्जैन में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। इसी क्रम में उज्जैन में श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन मुंबई के और उज्जैन के महान कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई, जहां शास्त्रीय गायन और वादन ने दर्शकों का मन मोह लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। उज्जैन के श्रावण महोत्सव में जब मुंबई से आए पंडित श्री रतन मोहन शर्मा के शास्त्रीय गायन में जब शहर की संस्था श्री गेबी साहब ताल वाद्य कचहरी द्वारा समूह तबला वादन की धुन सुनाई दी तो दर्शकों की तालियां गूंज उठी। मौका था श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के 19वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2027 का। शिव संभवम की प्रथम संध्या में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। पहली प्रस्तुति श्री रतन मोहन शर्मा के शास्त्रीय गायन की हुई, उसके पश्चात उज्जैन की संस्था श्री गेबी साहब ताल वाद्य कचहरी द्वारा पंडित रामचंद्र चौहान के निर्देशन में समूह तबला वादन की प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम का समापन उज्जैन की सुश्री ऐश्वर्या शर्मा की कथक नृत्य की प्रस्तुति से हुई। प्रस्तुति के पश्चात समापन हवेली संगीत के पद से किया गया। पखावज पर पंडित अखिलेश गुंदेचा, तबला संगत रामेंद्र सोलंकी, हारमोनियम पर अभिनव रावदे और गायन सहयोगी स्वर शर्मा एवं मानस रंजन ने संगत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलावती यादव, अध्यक्ष नगर पालिक निगम उज्जैन अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक उज्जैन उत्तर विजय शंकर पुजारी के अतिरिक्त श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, प्रशासक एवं अपर कलेक्टर मृणाल मीणा, श्रावण महोत्सव के कलाकार उपस्थित रहे। कलेक्टर ने गणमान्य अतिथियों का दुपट्टा, प्रसाद व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।